चलिए राजस्थान का रुख कर लेते हैं। दरअसल सरपंच जो है हड़ताल पर बैठे हुए थे। सरपंचों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद ये हड़ताल खत्म हो गई है। लगातार मांग थी, मुख्यमंत्री से मिलना था, मुख्यमंत्री ने निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है, हड़ताल खत्म हो गई है। अभी सामने आ जाएगा कुछ ही देर के बाद कि जो मांगे थी उन मांगों पर क्या आश्वासन मिला है, कितनी मांगे मानी जाएंगी। फिलहाल लंबे समय से परेशानी सरपंचों के लिए बनी हुई थी, लेकिन अब वो जो हड़ताल, जो समस्या, जो मांग लेकर अड़े हुए थे वो खत्म हो गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम गहलोत से मुलाकात हुई, इसे लेकर अड़े हुए थे, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की है, उसके बाद हड़ताल को खत्म कर दिया। सरपंचों की हड़ताल से विकास के जितने काम थे, जो आने वाले समय में जो काम होने थे, गांवों की जो विकास से जुड़ी हुई कई योजनाएं थी उसे लेकर जनता परेशान हो रही थी, कई काम अटक गए थे, लेकिन अब यह हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। अपडेट देंगे कि किस आश्वासन पर इस हड़ताल को खत्म किया गया है। और हालांकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मुलाकात करते हैं, खुद बातचीत करते हैं, तब ये सारी बातें जो है साइड में हो जाती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आश्वासन अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए इस हड़ताल को फिलहाल सरपंचों ने खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या जो मांगे थी क्या सब पर सहमति हुई है, जो क्या आश्वासन दिया गया है, वो भी अपडेट आप तक करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन सरपंचों से बातचीत की है, मुलाकात की है, उनकी बातों को ध्यान से सुना है, उसके बाद आश्वासन के बाद इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरपंच संघ ने सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। मांगों को लेकर सरपंच प्रतिनिधि और सरकार के बीच में सहमति बन गई है और इस सहमति के आधार पर फिलहाल इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया है।